लीबिया की कहानी। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दिशा में स्थित एक निर्धन देश था जिस पर इटली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। 10 फरवरी सन 1947 को इटली ने लीबिया को स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद यह देश 24 दिसंबर सन 1951 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण परिषद के अधीन रहा। इंग्लैंड तथा फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन यूएन के संरक्षण परिषद की ओर से लीबिया की देखरेख कर रहे थे। 24 दिसंबर सन 1951 को लीबिया को पूरी तरह स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। लीबिया में राजतंत्र की स्थापना। औपनिवेशिक शासन से लीबिया की स्वतंत्रता के पश्चात राजा इदरीस लीबिया का शासक बना। लीबिया पर शासन राजा एवं कुछ ताकतवर परिवारों द्वारा किया जाने लगा। वहां की अधिकांश जनता विभिन्न कबीलों में बटी थी। लोग कृषि एवं पशुपालन के कार्य करते थे। लोगों पर कबीले की मुखियाओं का प्रभाव था। सन 1959 में लीबिया में विशाल मात्रा में तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार की प्राप्ति हुई जिससे यह देश धनी देश बन गया। इन खनिजों पर राजा एवं वहां के धनवान परिवारों के लोगों ने अधिकार जमा लिया। इसी समय उत्तरी अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन की लहर चली। इसका प्रभाव लीबिया पर भी था। इस आंदोलन से जुड़े लीबिया के युवा आधुनिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां जनता की भलाई हो एवं शोषक तत्वों से मुक्ति मिले। ये लोग महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों व कबीलों के युद्ध को रोककर देश में एकता और शांति लाना चाहते थे। उनका मानना था कि पेट्रोलियम से होने वाली आय का लाभ सभी नागरिकों को मिले। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी द्वारा सैनिक तख्ता पलट। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया की सेना का एक प्रमुख शक्तिशाली अधिकारी था। सन 1969 में गद्दाफी तथा उसके 70 युवा सैनिक अफसरों ने लीबिया की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने आंदोलन के संगठन का नाम फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट रखा। राजा इदरीस गद्दी छोड़कर भाग गए। लीबिया में राजतंत्र की समाप्ति हुई और देश को सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक घोषित किया गया। सेना ने इसका पूरी तरह से समर्थन किया। यह आंदोलन क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल RCC के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें सेना के 12 सदस्य थे। इस संगठन ने लीबिया को आधुनिक समानतावादी देश बनाने की घोषणा की।